तो मैं आपके सबके कमेंट्स रीड कर रहा था, बहुत प्यारे प्यारे कमेंट्स करे आपने, थैंक यू सो मच इतना सपोर्ट करने के लिए, ऐसे ही सपोर्ट हमेशा करते रहना गाइस, और दिल से थैंक यू सो मच। नैना काय ने भाई लोग सुबह के बज रहे 6:05 हो चुके, उठा तो मैं 5 बजे था कि यार अच्छे से, एक तो नींद भी नहीं लगी थी, आपको पता है राइड की पहली वाली रात अच्छे से नींद लगती नहीं है, जाने के एक्साइटमेंट तो थी तो सुबह जल्दी उठ गया था, मतलब 6 बजे हमारा मिलना फिक्स हुआ था भाई और मैं 5 बजे उठ गया था। अभी मुझे थोड़ा लेट हो गया, लेट इसलिए हुआ ना क्योंकि मेरा ना एक हाथ का ग्लव्स ही नहीं मिल रहा था, देखो मेरे सिर्फ राइट हैंड का ग्लव्स मिला है, लेफ्ट वाला मैं क्या करता हूँ ना हमेशा राइट वाला पहनता हूँ, एक मतलब एक ही ग्लव्स पहन के हमेशा निकल जाता हूँ, और उसी की आज मुझे सजा मिले, मुझे एक हाथ का ग्लव्स ही नहीं मिला। अब लगने वाली है भयंकर ठंड क्योंकि सुबह के बज रहे 6 और हम लोग अभी निकल रहे राइड पे, एक मॉर्निंग राइड पे जाने का हमारा कल अचानक से प्लान बन गया था, बाकी बातें रस्ते में करते हैं। आज मेरी वाट लगने वाली है, लाइक मैं हमेशा गाइस राइट वाला एक ही ग्लव्स पहनता हूँ ना, तो आज मुझे सजा मिली, मुझे लेफ्ट वाला ग्लव्स ही नहीं मिला, ठंड तो वैसे भयंकर है तो मेरी हालत खराब होने वाली है। फटाफट से चलता हूँ अपने फ्रेंड के पास, मजा तो आने वाला है बहुत आज, बट ठंड बहुत ज्यादा है यार, मतलब मुझे मैंने 3 लेयर पहनी है फिर भी अंदर फील हो रही है ठंड, पूरा अंधेरा हो रखा है। ये तो स्ट्रीट लाइट से बोल के थोड़ा सही है, बाकी फॉग तो देख ही सकते हो भाई। अंकल चल चल के जा रहे थे, चलो इन्हें लिफ्ट दे देता हूँ, बेचारे जॉब पे जा रहे शायद। नहीं ना काय ने चला, तुम कुठे जाता है? हाँ चला चला, पाय नीट ठेवलं ना, पाय इथे ठेवा, इथे हे बघा, इथे पाय इथे ठेवा, हां भाई। हम लोग इस टाइम पे उठ के मौज करने जा रहे हैं राइड पे, काय काका ठंडी, ओ ठंडी तो भरपूर आए, ओ आओ बरा बरा, काय हरकत नहीं हरकत नहीं। लोग मतलब पैसे कमाने के लिए यार कितनी मेहनत करते हैं, सुबह उठ के इस टाइम पे, मतलब हम लोग फन करने राइड पे जा रहे हैं और अंकल जॉब पे जा रहे हैं, अभी अंकल रस्ते में चल के जा रहे थे तो मैंने सोचा क्यों ना लिफ्ट दे देता हूँ, बोल रहे कि मेरी साइकिल ख़राब हुई है तो अभी चल के जा रहा था, सो आई थॉट, मैंने तो ऐसे ही चल के चलते देखा अंधेरे में जाते हुए, सो आई थॉट क्यों ना लिफ्ट दे दूँ, ज़्यादा स्पीड नहीं चलाता अंकल ने, ज़्यादा लेयरिंग नहीं करी है, लेयरिंग मैंने अकेले करी है, बेचारे को ठंड लगेगी। मैं ऑफिसला नहीं हो, मी सध्या फ्रीलान्सिंगचं काम करतो, घरून काम करतो, हां हां ऑनलाईन। भाई ठंड सच में बहुत ज़्यादा हो रही है, मेरा लेफ्ट वाला हाथ भाई सुन पड़ने लग गया है ठंड के मारे, हालत ख़राब हो रही है, पता नहीं आगे राइड में क्या होने वाला है, क्योंकि मेरे एक ही हाथ में ग्लव्स है उसको थोड़ा बेटर लग रहा है और मैं उसको रिवर्स करके उल्टा पहन भी नहीं सकता। हाँ थोड़ा बसायला प्रॉब्लेम होतो, माझ्या पप्पांना पण प्रॉब्लेम होतो थोड़ा। अंकल बोल रहे हैं इसमें बैठने को बहुत प्रॉब्लम है, एक्चुअली मैं भी वही बोल रहा था कि मेरे पापा को भी बैठने को प्रॉब्लम होता है, लाइक भाई मतलब सुबह के 6 बज रहे हैं, इतना अंधेरा हो रहा है और तुम्हारा भाई लिफ्ट दे रहा है। चलो ये तो एक्चुअली सुबह का टाइम है इसलिए मैंने लिफ्ट दे दिया, बट रात के टाइम पे प्लीज़ आप लोग ऐसा करना मत, मैं आपको बिल्कुल भी ऐसा करने प्रमोट नहीं करूँगा, रात का टाइम हो 10-11 के बाद ऐसा कभी भी कहीं सुनसान जगह पर करना मत, क्योंकि हाँ मैं इतना सीधा जाना रे काका, हाँ काका चला ठीक है चला काका, हाँ चलो भाई अंकल को छोड़ दिया है, बस मेरे में मिरर नहीं है ना तो पीछे देखना पड़ रहा है, रुक जाओ भाई जाने दो मुझे, जा भाई तू चले जा, अभी वही सीन है गाइस, मिरर नहीं है ना तो पीछे देखना पड़ रहा है, मिरर होते मैंने मतलब अभी तक बाइक असेंबल करी नहीं है, आज सोच रहा हूँ कर दूंगा, कल ही मैंने सोचा था कर दूंगा बाइक असेंबल, लेकिन कल थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था कि भाई मतलब कल थोड़ा लेट हो गया था मुझे वीडियो एडिट करते तो कल कर नहीं पाया, और आज कल रात को ही राइड का फिर प्लान भी बन गया था तो सोचा अभी कब करूंगा करके, तो जल्दी सो गया था कल। ठंड सच में बहुत ज़्यादा हो रही है यार, और पता नहीं आगे क्या होने वाला है, बस टेम्परेचर थोड़ा बढ़ जाए। हेलो आजा नीचे, साला आलसी, मतलब सबसे लेट मैं हूँ फिर भी मैं ही पहले पहुँचाऊँ, देखो
6:14 हो गए, 6 बजे मिलने वाले थे, पर कोई बात नहीं, थोड़ा सा लेट तो हो ही जाता है हमेशा। भाई मैंने एंटी फॉग लेंस जो है मेरी निकाल दी थी लास्ट टाइम, आपको पता है वीडियो में आपने देखा रहेगा पिछले को, तो अभी मुझे प्रॉब्लम हो रही है, अभी हेलमेट पे फॉग जम रहा है। मुझे लग रहा था कि वो शील्ड कुछ काम की नहीं थी, बट वो हमेशा फॉग से बचाती थी, मुझे आज पता चल रहा है जब मैं सुबह निकला हूँ, वरना इतने दिनों से पता नहीं चल रहा था। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल रॉ मटेरियल। गाइस फाइनली मैं पहुंच चुका हूं हमारे मिड पॉइंट पे, लाइक जिस फ्रेंड के घर के नीचे मिलना तय हुआ था वही अभी तक नीचे नहीं आया हुआ, बट मैं यहाँ पे पहुंच चुका हूँ। तो अभी हम लोग यहाँ से निकलने वाले, अभी वेट कर रहा हूँ बाकी दो लोग का जो लोग आने वाले हैं, और दो बाइक से साथ में, एक ड्यूक 250 है और एक ड्यूक 390 है, तो वेट करते हैं उनका। बाकी यहाँ पर देखो अपने ऑरा को मैंने इसे असेंबल नहीं करा है, तो लेट्स सी ये लोग कब तक आते हैं। और ये देखो यहाँ पर अपने वाइजर में कैसा फॉग जम रखा है भाई, अब ये बहुत दिक्कत देने वाला है, आगे फॉग बढ़ेगा ना राइड पे तो पूरा ब्लर हो जाएगा। लेट्स सी कैसा रहता है। टाइम बता दो आपको एक बार गाइस, 6:17 हो रहा है, ठंड भयंकर लग रही है। मैंने तो लेयरिंग कर रखी है, फिर से आपको दिखा दूँ, ये एक इसके अंदर ब्लैक हुडी और ब्लैक हुडी के अंदर एक वाइट टी शर्ट और तीनों फुल स्लीव्स के, और ठंड फिर भी हाथों में लग रही है भाई। मतलब एक हाथ में तो मैंने ग्लव्स नहीं पहना उसकी वजह से लग रही है, बाकी इसमें से भी हवा अंदर जा रही है। जब आप बाइक चलाते हो ना 40-50 के ऊपर चले जाओ ना, तो बहुत भयंकर वाली ठंड लगने ही लग जाती है। वैसे आज मेरे पास सिर्फ वैसे एक ही हैंड का ग्लव्स है, राइट वाले हैंड का ग्लव्स है, लेफ्ट वाला पता नहीं मैंने कहाँ रख दिया यार, मिल ही नहीं रहा अभी। ये लोग भी पता नहीं अब कब आएंगे, वेट करते हैं इनका। एक को तो कॉल किया था मैंने, साले बहुत आलसे है मेरे दोस्त, मतलब जिसके घर के नीचे मिलना फिक्स हुआ था वही बंदा अभी तक पहुँचा नहीं है। चलो भाई हमारे लेट लतीफ़ लोग आ गए, यहाँ से निकलना है पेट्रोल पंप पे। सबसे पहले फ्यूल डालना है बाइक में, क्योंकि फ्यूल थोड़ा कम है, उसके भी कम है, मेरे भी कम है, और सामने जो बंदा आ रहा है यश अपना 390 वाला, उसके भी कम है। तो फटाफट चलते हैं फ्यूल स्टेशन पे, लेट तो वैसे हो रखा है, 6 बजे निकलने का प्लान था, आधा घंटा तो ऊपर लग जाता है हमेशा। यार ठंड बहुत हो रही है, मस्त मज़ा आएगा, ज़्यादा रश नहीं करेंगे, आराम से जाएंगे, एंजॉय करेंगे रोड को, अच्छे अच्छे व्यूज़ को, प्यारे प्यारे सीन्स को, और मस्त से चाय वगैरह पियेंगे। अच्छा ऐसा कुछ प्लान है, लेट्स सी कैसा होता है, कैसा चलता है। मैं तो वार्म अप कर रहा हूँ बाइक पे भाई, हाथ ठंड लग रही है ना, तो थोड़ा गर्म कर रहा था, डिप्स मार रहा हूँ बाइक पे भाई। इसकी बाइक में हमने जो मिरर इंस्टॉल करे थे, कतई जहर लग रहे हैं, मतलब तबाही लग रहे हैं। एक बार चेकआउट करो, अबे चलना आगे साले पीछे क्यों जा रहे हैं, एक बार चेकआउट करो गाइस, क्या लुक दे रहे हैं यार वो साइड मिरर्स, एकदम सुपर ड्यूक वाला लुक दे रहे बाइक को। पहले हमें लग रहा था कि उतना वर्थ नहीं होगा, बट यार एकदम ही अट्रैक्टिव लगने लगी है। भाई क्या ठंड है यार, हालत ख़राब हो रही है, एक हाथ तो ठीक है पर एक हाथ में वाट लग रही है। क्या हो गया, इधर पे कोई नहीं है क्या भाई साहब? चार्जर वाट भाई, फ्यूल डला के तो हो गया, क्या ठंड लग रही है यार। तो मैं आपके सबके कमेंट्स रीड कर रहा था, बहुत प्यारे प्यारे कमेंट्स करे आपने, थैंक यू सो मच इतना सपोर्ट करने के लिए, इतना सपोर्ट मिला बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, थैंक यू सो मच गाइस इतना प्यार देने के लिए, ऐसे प्यार हमेशा देते रहना, और लॉट्स ऑफ लव टू यू ऑल। ये भी एक एक्सपीरियंस है, ये भी एक्सपीरियंस लेना चाहिए, लाइक लाइफ में ना सारे एक्सपीरियंस लेने चाहिए, सिर्फ घर पर बैठ के सो के कब तक सोते रहोगे, उठो और थोड़ा एक्सप्लोर करो और ऐसे लाइफ के मज़े लो यार, सच्ची में मतलब नेक्स्ट लेवल। ठंड असर कर रही है गाइस, ठंड असर कर रही है, मुझ पर जा रहा है भाई ठंड का असर।